हम आपके लिए कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं और आज हम कंपेयर करने वाले हैं आपके लिए डोमिनोज का ब्रेड स्टिक्स और पिज्जा हट का ब्रेड स्टिक्स। अभी हम दोनों खाएंगे आपके लिए और आपको बताते हैं ये दोनों में किसका टेस्ट ज़्यादा बेटर है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो डोमिनोज का ब्रेड स्टिक्स है उसमें सीजनिंग थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कंपेयर टू पिज्जा हट जो आप अभी देख सकते हैं। तो मैं आपके लिए अभी ट्राई करके बता रहा हूँ डोमिनोज का ब्रेड स्टिक्स कैसा लगता है। डोमिनोज के ब्रेड स्टिक्स पे डेफिनेटली सीजनिंग ज्यादा है और वो समझ के आता है और इसकी वजह से जो टेस्ट है वो प्रॉपर है और सॉल्टीनेस जो है प्रॉपरली बैलेंस किया हुआ है। यहाँ पे सीजनिंग होने की वजह से ऊपर से मुझे ओरिगैनो या चिली फ्लेक्स डालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही आप इसका बाइट लेते हैं आपको ऐसा सेंसेशन आता है कि ये आपके मुंह में मेल्ट होने वाला है और इसका जो बटर है वो भी प्रॉपरली बैलेंस्ड है, ओवर नहीं लगता है। तो मैं अभी नेक्स्ट ट्राई करता हूँ पिज्जा हट का गार्लिक ब्रेड स्टिक्स और आपको बताता हूँ वो कैसा लगता है। अभी तक डोमिनोज का ब्रेड स्टिक्स का रिव्यू पॉजिटिव। तो मैं अभी आपके लिए ट्राई करता हूँ पिज्जा हट का ब्रेड स्टिक्स और बताता हूँ ये कैसा लगता है। तो ये जो है देखने में काफ़ी ब्लैंड लगता है, ज़्यादा सीजनिंग है नहीं इसके ऊपर और जैसे आप साइड से भी देख सकते हैं कुछ ज़्यादा खास लगता नहीं। मैं इसको अभी टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा लगता है। ये ब्रेड स्टिक्स डेफिनेटली काफी ड्राई है और थोड़े एफर्ट्स लगते हैं इसे च्यू करने में कंपेयर्ड टू डोमिनोज के ब्रेड स्टिक्स जो काफी बेहतर है जब उसका फर्स्ट बाइट लेते हैं। ये ब्रेड पे सीजनिंग कम है उसका भी सेंसेशन आपको हो के आता है और ये मुझे भी हुआ है। यहाँ पे आपको डेफिनेटली नीड लगता है कि आपको इसके ऊपर ओरिगैनो डालना पड़े क्योंकि सीजनिंग सच्ची में नहीं है। तो अभी मैं दोनों ब्रेड स्टिक्स का साइड बाय साइड टेस्ट करूंगा और आपको बताता हूँ कौन सा बेटर है। ये है डोमिनोज का, ये है पिज्जा हट का। तो मैं पहले ट्राई करूंगा पिज्जा हट का। अभी भी इसका एक्सपीरियंस एंजॉयबल नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे डोमिनोज का ब्रेड स्टिक्स विनर है। टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है दोनों के कंपैरिजन में, अभी तो मैं ये बोल ही सकता हूँ और सीजनिंग पूरा मेरे हाथ में लग रहा है इतना ज्यादा है। इट्स डेफिनेटली बेटर देन पिज्जा हट का ब्रेड स्टिक्स। तो हमारे कंपैरिजन का विनर है डोमिनोज का ब्रेड स्टिक्स। अभी कंपैरिजन होने के बाद मैं आपको दोनों का कॉस्ट बता दूंगा। पिज्जा हट का जो ब्रेड स्टिक्स है वो आपको कॉस्ट करेगा 118 रुपीज आफ्टर GST और डोमिनोज का ब्रेड स्टिक्स आपको कॉस्ट करेगा 105 रुपीज आफ्टर GST। कॉस्ट में डोमिनोज कम है पिज्जा हट के कंपैरिजन में और टेस्ट में काफी गुना अच्छा है पिज्जा हट से। तो इसमें डेफिनेटली जो विनर है वो डोमिनोज का ब्रेड स्टिक्स है और आप भी जाइए, आप ट्राई कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है। हमने तो हमारा विनर बता दिया है, आपका विनर आप हमें कमेंट्स में बताइए। और ये वीडियो आपने अगर अभी तक देखा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को क्योंकि जल्द ही हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स पे एक गिव अवे होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो गाइज और ऐसे ही हमारे वीडियोज को आप देखते रहिए।